बजट पर बहस के दौरान पाली से कांग्रेस विधायक भीमराज भाटी और चौबों से कांग्रेस विधायक ने बजट की कई घोषणाओं की जमकर तारीफ की। भाटी ने सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा मंत्रियों की भी जमकर तारीफ की। भीमराज भाटी ने कहा कि पाली के सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री ने पैसा मंजूर किया है, उसके लिए दिल से आभारी हूँ। पाली के डेयरी प्लांट के लिए पैसा मंजूर करवाने के लिए मंत्री जोराराम कुमावत का आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं उन्होंने पाली नगर परिषद के लिए घोषणाएं करने पर जावर सिंह खरा का आभार भी व्यक्त किया। वहीं कांग्रेस विधायक शिखामेल बराला ने बजट की कुछ घोषणाओं की तारीफ की, चौमू में हुए विकास कार्यों की तारीफ की। सीएम अजय लाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी का आभार जताया। हालांकि दोनों ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा भी। विश्व जनसंख्या दिवस पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आरआईसी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जनसंख्या समाधान देश नहीं दुनिया में ही चुनौती है। हमारे भारत में 25 से 30 सालों में जनसंख्या अनुपात बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1989 में शुरुआत की, दुनिया के देशों ने अभियान के रूप में इसकी सराहना की। हमारे संसाधन तो सीमित है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने अभियान चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे अभियान को नागरिक होने के नाते सफल बनाना होता है। पीएम मोदी ने आह्वान किया कि पर्यावरण बचाने का हम सभी पर्यावरण संरक्षण करें। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर, एसीएस मेडिकल शुभराज सिंह मौजूद रहे। समारोह में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली पंचायत समितियों को सम्मानित किया गया। बढ़ती हुई जनसंख्या देश नहीं दुनिया के लिए चिंता का विषय है, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे संसाधन हमारे पास सीमित, इसके अलावा संसाधन ही नहीं। हम अगर देखते हैं तो कई बातें हमारी समझ में भी आती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि जल भी सीमित, जमीन भी सीमित, संसाधन भी सीमित, और आने वाली जो जनसंख्या से समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो ये देश का काम नहीं है, वो पूरी दुनिया का है। अगर हम पूरी दुनिया को अगर देखते हैं और उस मानचित्र को हम देखते हैं तो हमारे यहाँ जिस तरह की जनसंख्या का अनुपात है और पिछले 25, 30, 40 सालों में बढ़ा है, और उसमें अब हमें अभियानों के माध्यम से, परिवार कल्याण के माध्यम से जो एक अवेयरनेस आई है, एक लोगों की सोच बदली है, बदलती सोच में हम हमारे देश को, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं सोचता हूं आपके लिए ये बहुत गर्व का दिन है कि आदमी सर्विस करता है, सैलरीज विड्रॉ करता है, लेकिन जब उसकी उनकी सर्विसेज जो हैं, जब वो उनका रिकग्निशन होता है और ये जो टोकन सम्मान, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, राशि हो, प्राइज हो, उससे एक तरह का सेल्फ एस्टीम और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होता है, जो मुझे आशा है कि आपको आज महसूस हुआ होगा। सबको बहुत बहुत बधाई। जयपुर में इन दिनों दुनिया के दूसरे सबसे तेज खेल हैंडबॉल की धूम मची हुई है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में IHF ट्रॉफी हैंडबॉल चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें मेजबान भारत ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए मालदीव को 27-56 से हरा दिया। भारत के कप्तान रवि ने 14 और मनीष यादव ने 12 गोल दागे। हाफ टाइम तक भारत ने मालदीव पर 23-13 की बढ़त बना ली थी। भारत के लिए मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी मनीष ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। मनीष और रवि के अलावा प्रवीण गिल ने 9, सुयश अवस्थी, नवदीप ने 4-4, रोहित ने 3, पीयूष सिंह, कृतवर्य, प्रताप सिंह, रोहित ने 2-2 गोल बनाए, जबकि सूरज गौतम ने 1 गोल का योगदान दिया। वहीं अंडर-20 में नेपाल और बांग्लादेश मैच टाई हो गया।
खान विभाग में माइनर मिनरल अलॉट्स के प्लॉट्स के डिलिमिनेशन के लिए प्राथमिकता से खनिज क्षेत्र भी चिन्हित करने के निर्देश दिए गए और इसके लिए प्रदेश की नरस माइंस राज्य सरकार को सरेंडर की गई। माइंस लीज अवधि समाप्त हो चुकी। माइंस और अन्य खनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर डिलिएशन के काम में तेजी लाई जाएगी। निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने खान एवं भू विज्ञान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। कलाल ने कहा कि अवैध खनन प्रभावित क्षेत्रों और गैप एरिया में डिलिएशन के काम को प्राथमिकता दी जाए ताकि ऐसे खनिज क्षेत्रों के प्लॉट तैयार कर ऑक्शन किया जा सके। कलाल ने कहा कि विभाग की जियोलॉजी विंग को प्रतिमाह माइनर मिनरल के ऑक्शन के लिए 1173 हेक्टेयर क्षेत्रफल के प्लॉट्स और मिनरल्स की खोज के लिए प्रतिमाह 970 मीटर ड्रिलिंग के लक्ष्य दिए गए। उन्होंने सभी 19 अधीक्षण भूवैज्ञानिक और वरिष्ठ भूविज्ञानी कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि माइनिंग विंग और जियोलॉजी विंग में परस्पर समन्वय सहयोग से ऑक्शन के लक्ष्य अनुसार प्लॉट तैयार किए जाएंगे। बैठक में ई फाइलिंग, ई डाक, ई फाइल निष्पादन की चर्चा करते हुए निस्तारण समय को न्यूनतम स्तर पर लाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई। देश की अदालतों में बढ़ते मामलों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से 13 जुलाई को दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत का शुभारंभ राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन में सुबह 10 बजे किया जाएगा। प्राधिकरण के सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि प्री लिटिगेशन और लंबित मुकदमों में से 10 लाख मुकदमे लोक अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए चिन्हित किए जा चुके हैं। इन मुकदमों की सुनवाई के लिए अधीनस्थ अदालत में कुल 512 बेंचों का गठन किया गया है। हाईकोर्ट के जोधपुर मुख्य पीठ में 5 बेंच और जयपुर पीठ में 4 बेंच का गठन किया गया है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के तत्वाधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑनरेबल जस्टिस पंकज भंडारी साहब के निर्देशन में लोक अदालत 13 तारीख को संपादित की जा रही है। इस अवसर पर हमने राज्य भर में तैयारियां की हैं और हमने जुलाई के प्रथम सप्ताह तक लगभग 5 लाख ऐसे प्री लिटिगेशन प्रकरणों को चिन्हित किया है जिनमें कार्रवाई संपादित की जा चुकी है और जिससे हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसे 5 लाख और निरंतर जिनकी चिन्हितकरण जारी है कि इन सारी प्रकरणों के अंदर हम लोक अदालत के माध्यम से समझाइश के माध्यम से इनका निस्तारण कर पाएंगे। पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में 2 फरवरी को गिरफ्तार किए गए ट्रेनी सब इंस्पेक्टर डालूराम मीणा की जमानत याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जमानत याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और जांच में उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले। मामले में दर्ज FIR में पुलिस ने तथ्यों को सत्यापित किए बिना RPA में ट्रेनिंग कर रहे याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया। इसके अलावा मामले में SOG जांच पूरी कर चुकी है जिसमें भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले। इसके अलावा मुकदमे का ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगने की संभावना है और इसीलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता और अनुसंधान को देखते हुए आरोपियों को केस की इस स्टेज पर जमानत का लाभ देना उचित नहीं है। नागौर नगर परिषद के कार्मिकों पर ACB में मामला दर्ज हुआ है और जांच नागौर ACB के निरीक्षक तेजाराम को सौंपी गई। फर्जी भुगतान कर राशि गबन को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। राजकोष को 2,86,280 रुपए का घाटा पहुंचाने के आरोप है। तत्कालीन आयुक्त पोकराम, तत्कालीन फोरमैन माणकचंद सांखला, तत्कालीन स्टोर मुंशी शोभाराम, तत्कालीन सहायक लेखा अधिकारी सुरेश चंद शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता रणजीत राम, तत्कालीन सहायक अभियंता कमलेश शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता अनुप कुमार गुप्ता पर आरोप लगे हैं। इन सभी पर आरोप है कि शहरी जल योजना में गबन किया गया है, कागजों पर भी काम करवाया गया और पैसा भी उठा लिया गया। हनुमानगढ़ के करणपुरा गांव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, उसके बाद खुद ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। मृतका के भाई अनिल ने बहन के पति रघुवीर के साथ किसी और पर भी हत्या की आशंका जताई है। अनिल ने भादरा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। अनिल ने बताया कि बहन राजबाला की शादी करीब 10 साल पहले रघुवीर के साथ हुई थी।
राजबाला और उसके पति रघुवीर के बीच काफी समय से झगड़ा चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर नागौर से है। विवाहिता से रेप के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को तेलंगाना के करीमनगर से गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर 30 मार्च को महिला विवाहिता को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। सिरोही पिंडवाड़ा थाना पुलिस ने दंपति के ब्लाइंड डबल मर्डर का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी भूरा राम ने रेप के मामले में जेल जाने का बदला लेने के लिए हत्या करवाई। आरोपी भूरा राम ने अपने दोस्त उदाराम को पैसों का लालच देकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वारदात में एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपी ने कालू और उसकी पत्नी कानकी को धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जैसलमेर के सोनार फोर्ट के पास मिले जीवित बम को 33 घंटे बाद भारतीय सेना का बम निरोधक दस्ता अपने साथ ले गया। भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते के चार अधिकारी गुरुवार शाम करीब 7 बजे मौके पर पहुंचे और बम को मौके से हटाकर अपनी गाड़ी में विशेष बंदोबस्त के साथ लेकर आए। इस दौरान मौके पर पुलिस का जाब्ता, 2 फायर ब्रिगेड और 1 एम्बुलेंस मौजूद रही। बस को ले जाने की प्रक्रिया के दौरान लोगों को भारी भीड़ भी मौके पर जमा दिखी। बुधवार को सोनार फोर्ट की परिधि से महज 20 फीट की दूरी पर एक जीवित बम मिला था। बताया जा रहा है कि यह बम विंटेज मोर्टार बम है जिसका कभी युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। दो दिन पहले कोई बम मिला था यहाँ, उसके बाद इस एरिया को गार्ड लगा के सुरक्षित किया गया था और उच्चाधिकारियों द्वारा बम को डिस्पोजल की कार्रवाई हेतु सूचित किया गया। आज आर्मी के ऑफिसर यहाँ पहुंचे, बम डिस्पोजल टीम और डिस्पोजल कार्रवाई की। कोटा के आरकेपुरम थाना इलाके में फैमिली अपार्टमेंट की लिफ्ट में फंसने से महिला की मौत हो गई। महिला रुक्मणी अपार्टमेंट के फ्लैट में मेड का काम करती थी। काम निपटाने के बाद लिफ्ट से नीचे की तरफ जा रही थी, अचानक से लिफ्ट बंद हो गई और वो लिफ्ट में फंसी रह गई। महिला की पुकार सुनकर अपार्टमेंट के लोगों ने महिला को बाहर निकाला। महिला को बाहर निकालने के दौरान स्टूल से फिसलने से महिला अपार्टमेंट के बेसमेंट में जा गिरी। अपार्टमेंट के लोग महिला को अस्पताल भी लेकर गए लेकिन उसकी तब तक मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि अपार्टमेंट के लोगों ने रुक्मणी की मौत की सूचना बहुत बाद में दी। श्रीनाथपुरम में वाधवानी परिवार का फैमिली अपार्टमेंट है जिसमें हादसा हुआ। फिलहाल आरकेपुरम थाना पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है कि महिला की मौत किन हालातों में। यहाँ से ये ज्ञान शांति में लेगा, इन्होंने हमें कोई फोन नहीं करा। ज्ञान शांति में के बाद में ये इन्होंने ज्ञान शांति में जब उन्होंने कह दिया कि पेशेंट नहीं बचा, मृत घोषित हो गया है, उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आ चुकी हैं, उसके बाद में ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मेडिकल कॉलेज में ले गए। वहाँ जाने के बाद में ये हमें कॉल कर रहे हैं कि ना आपकी मम्मी वहाँ से लिफ्ट में से गिर गई हैं और इमरजेंसी में एडमिट है। तब हमारे बच्चे गए, बच्चों ने जाकर देखा है कि वहाँ पर वो है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, बॉडी पड़ी हुई है। जब बच्चों ने कॉल करा, जब हम लोग गए, रुक्मणी नाम की महिला हॉस्पिटल में आई है जिसकी डेथ हो चुकी है। इस पर मैं हॉस्पिटल पहुंचा, वहां जाकर देखा तो रुक्मणी की देवी की मृत्यु हो चुकी थी। बॉडी को देखा, बॉडी पर कोई जहरीला चोट। जोधपुर में प्रॉपर्टी विवाद में जमकर लाठीबाटा जंग हुई। 9 लोगों ने माँ, बेटी और 2 बेटों के साथ जमकर मारपीट। बेटे को कार से इतनी तेज टक्कर मारी कि वो 10 फीट दूर उछल कर गिरा। माँ और भाई बचाने आए तो उनके सिर पर तलवार से वार करने का भी आरोप है। माता का थान थाना इलाके के संत रविदास कॉलोनी का मामला बताया गया। 2 जुलाई की बताई जा रही घटना, अब घटना का वीडियो सामने आया। मामले में पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, अन्य 7 आरोपी अभी भी फरार। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में पानी के ओवरहेड टैंकों पर चढ़कर छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की। इसी क्रम में हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर एनएसयूआई के 3 कार्यकर्ताओं ने टाउन में टिब्बी रोड पर एफसीआई गोदाम के पास स्थित पानी के ओवरहेड टैंक पर चढ़कर छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग की। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग लेकर पोस्टर हाथों में लिए और छात्र नेता रोहित जावा, विपुल घोड़ेला और विनोद राव घंटों तक ओवरहेड टैंक पर डटे रहे। मौके पर पहुंची टाउन थाना पुलिस ने अधिकारियों ने मिलकर उनसे समझाइश की और उन्हें नीचे उतारने का प्रयास किया। इस प्रकार
युवाओं की अधिकारों का आनंद इस सरकार में देखने को मिल रहा है, उसी के विरोध में एक छात्र संघ चुनाव, जो छात्र संगठनों और छात्र राजनीति करके ही एक आम व्यक्ति, एक आम युवा पिछली पंक्ति से अग्रिम पंक्ति पर आने की एक पहली सीढ़ी है, उसी का आनंद ये सरकार कर रही है। इसी के विरोध में हम आज टंकी पर चढ़कर NSA के साथियों के साथ इसी चुनाव बाली को लेकर हमने एक विरोध प्रदर्शन किया।